नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ का सार कर रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसकी समरी आज मैं आपको बताऊंगी। तो लेखक यहाँ पर पत्र की महत्व बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, यानी कम्युनिकेशन के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में पत्रों को उत्तरम कहा जाता है, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत और तमिल में कड़ी कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हुए हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया करते हैं। लेखक ने बताया कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है, स्वीकार किया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है, इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। लेखक कहता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात सत्य लगती नहीं है। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, लेकिन पत्रों को हमेशा सहेज कर रखा जा सकता है। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पत्र दिखाई दे जाएंगे, जो बड़े बड़े लोग पत्र लिखा करते थे, जैसे नेहरू जी के पत्र हैं, गांधी जी के पत्र हैं, और महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आया करते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख करके देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्रों का इंतजार रहता है। आप सभी को पता ही है, गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर जब लेकर के डाकिया आता है तो उसे देवता की तरह पूजन किया जाता है। और लेखक बताता है कि आजकल इतने संचार के साधन हो गए हैं, लेकिन पत्रों की, चिट्ठियों की अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम करते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन भी काम नहीं कर सकता। पत्र के जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पहले ज़माने में कबूतर से, घोड़े से, अन्य चीज़ों से पत्रों का प्रयोग किया जाता था, भेजा जाता था दूर दूर तक, क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे, बसें नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, तो फिर अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़्यादातर कबूतर के द्वारा पत्रों का भेजना किया जाता था। लेकिन फिर एक ज़माना ऐसा आया जब डाकिये आने लगे, चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाई जाने लगी। बहुत पहले के समय में केवल राजा लोग पत्र लिखा करते थे और वो घोड़े के द्वारा, घुड़सवार से और हाथी के द्वारा पत्रों को भेजा करते थे। आजकल व्हाट्सएप चल गया है, मैसेज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन चिट्ठियों का काम चिट्ठियाँ ही करती हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर कि साहित्य और कला की, तो ये सब नए जो तमाम झगड़े हैं, नई घटनाएं हैं, इनकी जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई है, उस पर भी पत्र लिखे गए। हमारे साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, यह भी पत्र लिखे गए। तमाम तरह के विवाह, झगड़े, नई नई घटनाएँ, इन सब की जड़ जो है वो पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास चिट्ठियों पर आधारित है। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, यानी हम मनुष्य की जो सभ्यता है हमारी, वो किस तरह अपने इस रूप में आई, इसके बारे में भी हमें पत्रों से जानकारी मिल जाती है।
कोई भी देश हो, पत्रों का अपना महत्व है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पत्र यादों को संभाल करके रखते हैं, जो बातें लिखी जाती हैं वो स्थायी रूप से हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता है अगर हम पत्रों को संभाल करके रखें। सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका होता है और हर पत्र का अपना एक दायरा होता है। कुछ लोग खुल कर के बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र रोज़ लिखे जाते हैं, अभी भी यही चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको सही व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए, सही पते तक पहुँचाने के लिए अभी भी उन लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतजार रहता है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ ये लगभग चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पत्रों का क्या महत्व है। इस तरह से आज मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया को बदल रहे हैं। यहाँ पर हरकारे की बात करें तो हरकारा होता है दूत, जो पत्रों को ले जाने का कार्य करता था, संदेश पहुंचाता था। तो जब संदेश पहुंचाने के लिए साधन नहीं होते थे तब हरकारा ये काम किया करता था। अगर बात करें पिछले 100 वर्षों की तो लेखन कला ने एक कला का रूप ले लिया है और यह कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते रहते हैं। और अगर बात करें विश्व डाक संघ की ओर से आयोजित की गई लेखन पत्र प्रतियोगिताएं जो हैं उनकी, तो 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं किए जाती हैं और ये प्रतियोगिता 1972 से शुरू हो गई थी। आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। अगर आप बारीकी से पत्रों की तह में जाएं तो आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार नहीं किया होगा। हमारे सैनिक पत्रों का बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और एक दौर था, पहले का दौर था, जब महीनों तक पत्रों का इंतजार किया जाता था। अभी परिवहन के साधन आ गए हैं तो इस विकास ने दूरी को बहुत कम कर दिया है। हमारी सीमा पर जो सैनिक मौजूद होते हैं अपने घर से पत्रों का इंतजार करते हैं और आज भी यह स्थिति है कि जहां इंटरनेट आदि काम नहीं करते हैं तो पत्रों का इंतजार सैनिक किया करते हैं। अगर हम बात करें विरासत के रूप में रखे हुए बड़े बड़े लेखकों के पत्रों की, तो उनकी रचनाएं जो हैं आप अपने आप में ही उन पर हम रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैंने आपको पत्रों की, चिट्ठियों की दुनिया के बारे में आज जानकारी जो दी है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।